रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ले चलते हैं आपको आज की ताजे खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर, छिंदवाड़ा जिले के सिंगोड़ी ग्राम में चमत्कार की खबर। अमरवाड़ा क्षेत्र की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है सिंगोड़ी। पंथ श्री हुजूर श्रुति स्नेही नाम साहिब के जीवित समाधि स्थल में चमत्कार हुजूर साहब को सातवें वंशाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। वहीं देश विदेश के लोग भी यहां दर्शनार्थ हेतु लोग पहुंचते हैं, खासकर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, गुजरात सहित अन्य प्रांत और देश के लोग हैं अनुयायी। समाधि स्थल के वर्षों पुराने कुएं का ठंडा पानी की जगह निकल रहा गर्म पानी आस्था का केंद्र होने के कारण सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भक्तगणों का लगता है तांता। लोग आशीर्वाद और चमत्कार मानकर उक्त गर्म पानी को अपने ऊपर छिड़क रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग साहेब का चमत्कार कहकर जय जयकार के नारे लगा रहे हैं। वहीं आसपास के क्षेत्र के लोग यहां कुएं के पानी को देखने के लिए आतुर हो रहे हैं और लोगों में भारी हुजूम लग रहा है, जहां लोग पूजा पाठ भी कर रहे हैं। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से ममता गुप्ता की रिपोर्ट। क्या है पूरा मामला पहली चीज, और दूसरी चीज पानी के स्रोत क्या है जो कुएं में पानी आता है? जहां तक मैं दरबार से जुड़ा हूं और मुझे ऐसा मालूम है कि जो साहेब दरबार में जो कुआं है उसमें पानी के बहुत कम स्रोत है। ये जो नल की लाइन वहाँ पे परमानेंट डाली गई जो डायरेक्ट से चलता है उसी के माध्यम से उसमें हम हैंडपम्प से पानी और भक्तों के लिए वहाँ पर उपलब्ध कराते हैं। वहाँ कोई अंदर से ऐसा कोई स्रोत नहीं है जिससे कि झील से पानी आए। और कितने वर्ष पुराना ये कुआं है? ये 300 वर्ष पुराना कुआं है और लगभग 8 से 15 दिन से ये गर्म पानी निकल रहा है। क्या इसको चमत्कार मान सकते हैं? मेरे मानने से तो साहब का चमत्कार ही हम मान सकते हैं। हालांकि वैज्ञानिक तरीके से अगर उसका रिसर्च किया जाए तो और भी वातावरण के अनुसार निकल सकता है, लेकिन हमारा विश्वास से तो साहब का चमत्कार है। अभी क्या कंडीशन, क्या लोग यहाँ पहुँच रहे हैं? लोग पहुँचने का उद्देश्य ये है कि साहब का एक चमत्कार के रूप में वो अपने श्रद्धा भाव से, जो श्रद्धा है व्यक्तियों की इस स्थान के प्रति, तो वो श्रद्धा भाव से एक अमृत जल के अनुसार ग्रहण करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। भैया अभी 4-5 दिन पहले से ही यह गर्म पानी निकल रहा सुनने में आ रहा है। जो डेली भक्त लोग आते हैं वो अपने सबसे पहले कुआं पास ही जाते हैं और वहाँ से पानी निकाल के अपने हाथ पैर धुलते हैं और हाथ पैर धुलने के बाद वही जल को अपने ऊपर छटक के फिर अंदर प्रवेश करते हैं। तो उनका ये मानना है, अभी हम अभी बताया लोगों ने कि बेटा हम तो 4-5 दिन से देख रहे हैं और गर्म पानी निकलता था, अब आज ज़्यादा निकल रहा है। जैसे ही उन्हें ज़्यादा बताया तो कुछ लोगों ने बताया भी है, हम व्हाट्सएप के माध्यम से चल रहा था स्कीम, हम लोग ने भी आके देखा और यहाँ देखा तो भीड़ लगी है। अब भीड़ लगी तो सब लोग अपना अपना पानी निकाल रहे हैं, बाटल में पानी भर रहे हैं, घर ले जा रहे हैं। क्या आप इसको चमत्कार मानते हैं? चमत्कार तो उनका हर सेकंड में होता है ईश्वर का और वैज्ञानिक का अपने नहीं कह सकते, लेकिन अभी मौसम चेंज हो रहा है। अब मौसम चेंज हो रहा है, बिजली चढ़क रही है, पृथ्वी का संतुलन कुछ गर्म नरम हो रहा है। वैसे भी अपने क्षेत्र में आजकल दगाने चल रही है, कुछ 15 किलोमीटर दूर मातनी वगैरह कोल माइंस का क्षेत्र है, कहीं का बहाव कहीं का स्रोत कुछ हो सकता है। सिंगोड़ी में पानी की समस्या आ रही है, ईश्वर ने कोई नया रास्ता खोला हो ये हो सकता है। क्या नाम है? केशव पटवा सिंगोड़ी। कुएं में जो पानी निकला उस विषय में क्या कहना चाहोगे? ये सब साहिब का चमत्कार है, क्योंकि इतने वर्षों पुराना कुआं है और किसी भी पुराने लोगों ने यहाँ आज तक ऐसा चमत्कार नहीं देखे हैं जो आज सभी लोगों को देखने को मिला है। कुएं के अंदर से नीचे बुलबुले छोड़ रहे हैं और पूरे कुएं में आप आ रहे हैं, जैसे अपन किसी गर्म पानी में हाथ करते हैं और बाल्टी से पानी निकाल के देखा जा रहा है तो बिल्कुल गर्म पानी निकल रहा है। ये अपन इसको सतगुरु साहब का ही चमत्कार मानेंगे। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।